हैं आप सब। बॉल द कार मैकेनिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल वर्जन के बारे में। गाड़ी हमारे पास आई है कार की सर्विस के लिए, तो कार की सर्विस हम आपको करके बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है और कितने टाइम पीरियड पे होता है और क्यों होता है और क्यों होना चाहिए इसमें, राइट। सो हम आपको लेके चलते हैं कार के पास सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल इंजन जो कि सर्विस के लिए हमारे पास आई है। आइए चलो। सो फ्रेंड्स, ये वो गाड़ी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल के सीरीज इंजन। तो इस गाड़ी को जब हमने टेस्ट राइड लिया तो हमने एक और इसमें फॉल्ट डायग्नोस किया है कि इसका जो रेडिएटर का फैन है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा था, उसमें प्ले थी। तो हमने जब कस्टमर से बात की तो उससे अप्रूवल ले लिया हमने, तो उनका कहना है कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे सॉर्ट आउट करके मेरे को दीजिए। तो हमने फैन इसका खोला है, दिखा ज़रा। तो हमने ये प्रॉब्लम इसको रेक्टिफाई किया है, ये डायग्नोस किया है इसमें, ये देखिए ज़रा प्ले दिखाओ भैया, इसमें प्ले दिखाओ, इसमें ऐसे जैसे प्ले दिखा रहे थे आप मेरे को। सर ये देखिए, आप लोग देखें इसमें कितना प्ले है, कितना ज़्यादा एक्सेस प्ले है इसमें, राइट। तो जब ये क्या होता है, जब ये चलता है फैन, जब अपनी हाई स्पीड पे चलता है तो ये पूरा वाइब्रेशन करता है, राइट। उसके वाइब्रेशन जो है वो कैबिन में फील होती है। तो हमने इसको नया मंगा लिया है, अब नया दिखाएं खोल के सर एक बार। ये MGP ओरिजिनल पार्ट है, ये देखिए, ये पूरा पार्ट नंबर के साथ आता है हमारे पास, राइट। इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है, बहुत कम प्ले है जितना के जेन्युइन होना चाहिए। वैसे दिखाओ भैया, ये देखिए सर, इसमें बिल्कुल भी नाम मात्र भी प्ले नहीं है, बिल्कुल भी प्ले नहीं है इसमें। जितना जो जेन्युइन घूमने के लिए प्ले होना चाहिए उतना है, अदरवाइज इससे ज़्यादा नहीं। तो आइए हम इसको फिट करते हैं, और इसके साथ साथ हमने इसका सर्विस का भी पार्ट मंगा लिया। सर्विस के दिखाएं पार्ट एक बार। ये इसमें ये एक ऑयल फिल्टर रिप्लेस होगा, राइट। ये इसका ये एयर फिल्टर है, ये रिप्लेस होगा, राइट। और ये हमने कस्टमर से स्पेशल अप्रूव कराया है, मोबिल 040 सिंथेटिक ऑयल, फुली सिंथेटिक ऑयल के साथ आता है सर ये। इसमें क्या है कि गाड़ी में जो आपका जो वेयर एंड टेयर है, जो इंजन में वेयर एंड टेयर है, वो 0% आ जाता है। ये फुली सिंथेटिक है, इससे ऊपर जो है सिंथेटिक ऑयल गाड़ियों में कोई भी नहीं आता है। ऑडी, मर्सिडीज, BM सब में ये रहता है, हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो आइए चलिए अब सर्विस करवाते हैं। अब हम इस फैन को कार में फिट करेंगे। चलिए भैया फिट कीजिए। अब हम आपको दिखाएंगे ये कार में किस तरह से फिट हुआ जाता है, इसको किस तरह से फिट किया जाता है। तो गाइस, ये गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें
क्राउड कंप्लीट हम डाल दिया है हम लोगों ने और सर्विस कंप्लीट हो चुकी है और ब्रेक क्लीनिंग भी इसका हो चुका है। जो जो सर्विस में काम थे वो सारे हो चुके हैं, लाइट्स वगैरह छोटे छोटे काम, वाइपर ब्लेड जैसे वाइपर ब्लेड हमने चेंज किए, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ इसका स्कैनिंग और इसका वॉशिंग का प्रोसेस रह गया। अब हम इसको स्कैन करते हैं, स्कैन करके हम ये देखेंगे इसमें कि गाड़ी में कोई और छोटी मोटी कोई इंजन में प्रॉब्लम तो नहीं है ना। स्कैन कर सो जैसा कि आप देख रहे हैं कार हमारी स्टार्ट है, इसके जो आरपीएम है वो बिल्कुल नॉर्मल है, एसी वर्क भी बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहा है, इसका एसी फिल्टर भी बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है, वो क्लीन होने के लायक था, साफ कर दिया हमने अच्छी तरह से। अब हम इसको स्कैन करते हैं। हमारा स्कैन करने का ये मकसद है इस कार को कि ताकि हमें पता लग जाए, हमें हम लोगों के पास जैसे सर्विस के लिए गाड़ी आई है तो इसमें इंजन में किसी तरह का कोई फॉल्ट तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर है वो कार सेकंड हैंड कहीं से परचेज करते हैं, राइट, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हाइड की होती है, तो वो हम जानना चाहते हैं कि इसमें कोई इस तरह का कोई इश्यू तो नहीं है ना। स्विफ्ट इंजन कंट्रोल केसरीज। अब हम सबसे पहले इसमें चेक करेंगे रीड फॉल्ट कोड, तो जैसा कि आप देख रहे हैं नो ट्रबल पोर्ट, कार हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट कंडीशन में है, काम हमारा पूरा हो चुका है। अब हम इसका छोटा सा रोड टेस्ट लेंगे, रोड टेस्ट लेके फिर हम इसको वॉशिंग पे लगाएंगे एंड देन कार कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।